पटना के आर ब्लॉक के पास गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में एक शख्स घायल हुआ है। घायल शख्स का नाम सुबोध पासवान है। सुबोध रिक्शा चलाता है। गोली चलाने वाले क्विक मोबाइल टीम के लोग हैं जो जक्कनपुर थाना से जुड़े बताए जाते हैं। मामला है कि पटना में अवैध शराब व्यवसाय को लेकर शराब के तस्कर से वसूली के लिए पहुंचे पटना पुलिस के क्विक मोबाइल की 4 पुलिस कर्मियों को जब शराब माफिया ने हफ्ता नहीं दिया तो इन पुलिस वालों ने फायरिंग की, जिसमें एक रिक्शा वाला गरीब घायल हो गया है। हालांकि मौके पर अभी तक कोई आधिकारिक पुलिस की टीम नहीं पहुंची है। इससे इलाके में आक्रोश है। अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। पटना में शराब माफिया का एक नेटवर्क है जो कि पुलिस के हफ्ता दे करके यह कारोबार संचालित करता है। किसी भी नए खिलाड़ी को शराब के धंधे में जुड़ने के लिए इस नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता है। इसी नेटवर्क पटना पुलिस के लोग संचालित करते हैं और इस धंधे में एक नया खिलाड़ी आया। जब उसका माल आया तो उस माल को पटना जंक्शन के पानी टंकी के पास उतारा गया और माल उतरते ही जगह पर नए खिलाड़ी ने पहुंचा लिया, पर कुछ माल पकड़ा गया। अब इस माल को लेकर क्विक मोबाइल की टीम हफ्ता वसूली करने पहुंची और मारपीट करने लगी। जब विरोध हुआ तो पुलिस वालों ने फायरिंग कर दिया। ये पूरी घटना रेल ट्रैक के नीचे घटी है। भाई को एक भाई था जिसको गोली लगा, वो उसको मारने लगा पुलिस, उन्होंने से कच्ची चला दिया। फिर तुम्हारी मम्मी जैसे मम्मी बचाने लगी तो मम्मी को ही मार दिया। आपके भाई हैं? हाँ भाई। क्या नाम है? क्या करता है? पिता चला। गोली कहाँ लगी? गोली लगी। अब गोली को चलाया? अब गोली चलाया हम लोग, मतलब हम लोग रख के देंगे ना, ठीक करेंगे ना, यहाँ से रुक कर मारा जाए। आपका बेटा है? कहाँ गोली लगी? कौन बॉडी के किस पार्ट में? आप तो भैया में ना देख ली गए, हॉस्पिटल गए हैं वो। आपका क्या नाम है? जसमती देवी है। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना राजधानी पटना में, और निश्चित तौर पर क्या कर रहे हैं? 650 का लमसम होगा। 650 क्या कर रहे थे आप? लोग दुकान में बैठे हुए। ठीक, क्या हुआ? वो पुलिस वाले अपना फायरिंग कर रहे थे, उधर से शायद गिला वगैरह चल रहा था, जो भी वही ही घटनाक्रम हो गया। ठीक है, फायरिंग कहाँ कहाँ पे हुई? स्पॉट से हुआ था। ठीक, स्पॉट से हुआ था। ठीक है, और इस तरफ कितनी हुई टोटल फायरिंग? 2 या 3 हुई। 3, और उधर से पहले भी फायरिंग हो रही थी? फायरिंग की आवाज़ उधर आई है, लेकिन अब लोग ये नहीं सोच नहीं पाए कि फायरिंग हुआ है। ठीक है, उधर से लगातार पत्थर चल रहा है? हाँ, पत्थर तो कुछ चला है उधर। ठीक ठीक। इस तरह की घटना इस इलाके में आए दिन होती है और पुलिस और अपराधी आमने सामने होते हैं। शराब का व्यवसाय ऐसे ही चलता रहता है। पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट। यह है पटना में शराब का खुलासा। हम आपको दिखाएंगे कि इस नेटवर्क का तार का कनेक्शन कहां तक है। आप देखते रहिए खुलासा।